नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल, देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,466 नए केस, 175 लोगों की मौत। गृहमंत्री अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बात, लॉकडाउन पर लिया फीडबैक। 31 मई को समाप्त हो रहा है लॉकडाउन 4। देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों का सबसे भयानक हमला, 16 राज्यों को केंद्र ने जारी की चेतावनी, ड्रोन से छिड़काव की दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बोला हमला, कहा प्रवासी मजदूरों को हम दे रहे हैं रोजगार। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का शिवराज सरकार पर हमला, कहा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी, उपचुनाव में 24 में से 22 सीटें लाने का दावा। और कोरोना के मामले बढ़ने से प्रशासन सख्त, देपालपुर में व्यापारियों पर की गई चालानी कार्रवाई, नियमों का पालन करना पड़ा भारी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, साथ ही लॉकडाउन 4 के बारे में जानकारी ली और स्थितियों पर मंथन किया। एक रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात, क्या देश में लागू होगा लॉकडाउन 5, क्या होगी आगे की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालत पर चर्चा करी। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा, फिलहाल सबकी नजर इस पर है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और भी खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों की 60% लोग पाए गए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय के रवैये से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी है, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। नेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उमरिया पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज ने संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की 13वीं कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ 2 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि संत दद्दा जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि देने हम सब कटनी जा रहे हैं, क्योंकि उस समय कुछ मर्यादाएं थी जिसमें निकला नहीं जा सकता था। बता दें कि 13 दिन पहले संत दद्दा जी का निधन हो गया था और लॉकडाउन के कारण सीएम उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे। परम पूज्य संत दद्दा जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि देने
कटनी हम सब लोग जा रहे हैं। वो संतों में श्रेष्ठ थे और उनका पूरा जीवन आम जन के मन में आध्यात्मिक रुचि पैदा करने, उनको सही दिशा देने में और धर्म और अध्यात्म का पथ दिखाने में लगा रहा। मानव कल्याण के लिए समर्पित उनका जीवन था। चूंकि उस समय जो मर्यादाएं थी कि हम लोग ना निकले भीड़ में, इसलिए उस समय नहीं आ सके थे। उनके चरणों में प्रणाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले, इस तरह के दावे करे तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो प्रदेश के प्रवासी कुशल मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजना योजनाबद्ध तरीके से बना रहा है। हमने मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना बनाई है। हमारे जो भाई बहन कुशल मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते थे या कहीं और काम करते थे लेकिन हाथों में कौशल है, उनका सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद मजदूरों का विवरण जब हमारे पास होगा, वो कौन सा काम कर सकते हैं ये विवरण हमारे पास होगा, तो हम उन कारखानों के मालिकों से लघु कुटीर मध्यम बड़े उद्योगों से भी संपर्क करेंगे जिनको कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। अधोसंरचना के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहां भी कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी, उनसे संपर्क करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां एक तरफ काम जो जानते हैं उनका विवरण होगा, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उनकी आवश्यकता होगी और वहां उनको काम दिलवाया जाएगा ताकि कोरोना के संकट के समय हमारे इन कुशल मजदूर भाई बहनों को काम मिल सके। कहते हुए और मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वामित्व योजना अब मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। गांव में जो मेरे भाई और बहन रहते हैं उनकी कृषि भूमि के तो खसरे और नक्शे होते हैं, उस पर स्वामित्व भी होता है, उससे वो लोन ले सकते हैं, भूस्वामी है वो। लेकिन ये अजीब बात थी कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गांव में जिनके पास रहने की संपत्तियां थी, जमीन मकान, उन भूमियों का आबादी की कोई सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्माण कभी किया ही नहीं गया। और इस कारण जो ग्रामीण भाई बहनों को लाभ मिल सकता था अपनी संपत्ति का, वो लाभ कभी नहीं मिल पाया। किसी काम बड़ी बड़ी आवासीय संपत्ति उनके नहीं आ पाई, अभिलेख ना होने के कारण कई बार विवाद की स्थितियां बनती रही। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार ये फैसला किया गया, मोदी जी ने किया, हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हम सतर्क हैं, प्रशासनिक अमला सक्रिय है, किसान सजग और सचेत हैं और लगातार
टिड्डी दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं, और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। यहां पर एक ब्रेक लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर। खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा, हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर। कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह शर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैला रही है। कोरोना के चलते जो अस्पतालों में पीपी किट बांट रही है, इस मामले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह सरकार हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। इस मुश्किल घड़ी में भी इस सरकार को भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं जाएगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है, 24 में से 22 सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है चिकित्सा सुविधा के उपकरण खरीदने में। आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, उनका नाम एक बड़े घोटाले में आ गया इसी चिकित्सा उपकरण के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में आपने खुद कहा कि कई नर्स, मेल नर्स, डॉक्टर इन नकली पीपी किट उनको दी जा रही है, गश खा के गिर रहे हैं। तो ये बड़ा घोटाला, मतलब भाजपा की जहाँ जहाँ राज्य सरकार है, मैं कहता हूँ कि कोरोना के संक्रमण काल में तो अपनी संवेदनाएं जीवित कर लो। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद ग्यारसपुर ग्राम पंचायत मुड़रा गणेशपुर में ग्रामीणों ने शिकायत की है कि कोरोना काल के 2 महीने से अधिक बीत जाने के बावजूद भी सचिव जीआरएस केवल एक बार ही ग्राम पंचायत खुली है। पंचायत जिस दिन से कोरोना वायरस चल रहा है, सिर्फ एक बार सचिव आया है जो केरल से एक लड़का आया था, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई बाहर का आ रहा है जा रहा है। कल ही मैं इटारसी से आया हूँ, कोई रोकथाम गांव के लिए नहीं है। बाहर का आदमी नारे इंदौर से भी आकर रह रहे हैं, हर आदमी जो कर रहा है मन का चल रहा है। सरपंच का कोई यहाँ लापरवाही है, टोटल हर चीज में यहाँ कोई प्रावधान नहीं। सिलवानी में शिवजी नगर में मुख्य रोड पर बन रहे पुल में लापरवाही बरती जा रही है। बेगमा नदी पर बन रहा पुल भोपाल रायसेन रोड को जोड़ता है। बेगमा नदी के दूसरे पार जनपद तहसील थाना और विभाग सहित सभी कार्यालय हैं। पुल का निर्माण एजेंसी पुराना पुल तोड़कर नीचे से एक कच्चा रास्ता बना दिया है। महीने के करीब से बन रहा पुल 40% बन सका है। पुल कंप्लीट नहीं हुआ तो बरसात के समय सिलवानी 2 भागों में बंट जाएगा। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर। कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देपालपुर के पास फरकोदा में किसान धन्नालाल जाट ने कई सब्जियों की फसल लगाई, जिसके बाद सब्जियां तैयार तो हुई लेकिन लॉकडाउन में सब्जी मंडी बंद होने से कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद किसान ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया और सोयाबीन की फसल के लिए तैयारी में जुट गए हैं। किसान का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक इस विषय में कोई सुध नहीं ली है। देपालपुर के पास कोरोना के मरीज की मौत होने से प्रशासन ने नगर निगम को पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही तहसीलदार ने कहा कि जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रशासन ने कुछ छूट के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कई व्यापारी प्रशासन ने किराना सब्जी और कपड़ा व्यापारियों पर लॉकडाउन के नियमों का और निर्देशों का पालन न करने पर चालानी कार्रवाई की है। देखा जाए तो
चौथे चरण के लॉकडाउन में नगर को पूर्णतः खोल दिया गया था। लगभग आधा नगर खुल चुका था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जयपालपुर के पास कठपोदा गांव में जो कोरोना का पेशेंट मिलने के कारण नगर को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने पीछे पूर्णतः बंद है, और नगर में एक मुख्य कारण बंद करने का ये भी रहा कि जयपालपुर में कपड़ा का जो व्यापार रहता है उसको लेने के लिए लोगों आसपास के क्षेत्र के कई लोग आते हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो काफ़ी सराहनीय है और नगर पूर्णतः बंद है। के इंडिया से प्रभु अग्रवाल, जयपाल। जहाँ कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है, वहीं टिड्डी दल का आतंक किसानों पर कहर मचा रहा है। किसान अपनी फसल मूंग गन्ना को लेकर परेशान हैं। सिलवानी के मुआर, हमीरपुर, हीरापुर, जमुनिया और जूनिया सहित कई क्षेत्रों में टिड्डा दल ने आतंक मचा रखा है। खड़ी फसलों को मिनटों में चट कर जाने वाले टिड्डियों का दल पाकिस्तान से चलकर देश के कई राज्यों से होता हुआ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तक पहुंच गया है। क्षेत्र के किसान खेतों में खड़ी फसलों के अलावा हरे भरे पेड़ों को होने वाले नुकसान को लेकर परेशान है। कृषि वैज्ञानिक उत्तम बिसेन ने बताया कि ये टिड्डी दल हरे भरे पौधों और पेड़ों पर हमला करता है। किसानों को कुछ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने और तेज आवाज करके टिड्डियों को मारने और भगाने के उपाय बताए गए। में हमारे द्वारा जो है इस पे क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% नामक दवाई का स्प्रे किया गया था, और उस दवाई का इतना अच्छा परिणाम आया है कि 10 से 15 मिनट बाद ही जो है अभी लोकस्ट जो है बेहोश होकर गिरने लगे हैं और ये निश्चित रूप से मर भी जाएंगे। ये तब नुकसान होता है जब अगर हम लोग जागरूक नहीं होते। हमारे जिले में घुसने वाला था उसके एक दिन पहले से ही हम जागरूक है, यहाँ पे जानकारी बता दी गई है। और 2-3 दिनों में जब हमारे पास अभी तो हमने जो है फायर ब्रिगेड बुलाया है, ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर बुलवाएंगे। हस्ती खेलती इस रंग भरी दुनिया में लॉकडाउन के थम जाने के बाद आम से लेकर खास को क्या कुछ खोना पड़ा, एहसास को डीएसपी संतोष या पटेल ने अपनी कविता के शब्दों में लिखा। जो भी इस कविता को सुना या पढ़ा उसे ऐसा लगता है जैसे कि यह कविता उसी के लिए बनाई है। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना प्रभारी जनता को नियमों का पालन करने के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।